हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे रेडियोग्राफी टेस्ट पार्ट फोर अगर आपने प्रीवियस पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो तो पहले देखते हैं वॉट इज़ एनर्जी एनर्जी ऑफ रेडिएशन इसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ रेडिएशन एनर्जी ऑफ रेडिएशन यानी कि एक्स रे या फिर गामा रे का एक्स रे और गामा रे का एनर्जी सो एनर्जी ऑफ एक्स रे और गामा रे हमने लास्ट क्लास में देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो कि एक्सरे का जो एनर्जी होता है एज़ कम्पेयर टू गामा रे जो है वो लेस होता है और गामा रे का जो एनर्जी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एक्स रे तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इट इज़ मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ई और किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के और एम मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इट इज गिवन बाय इक्वेशन ई इज इक्वल टू हेच इन टू वी वेर ई क्या है हमारा एनर्जी है हेच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है और म्यू है फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी वी है फ्रीक्वेंसी इट इज मेजर्ड इन हर्ट्स सो ये है एनर्जी के बारे में तो रेडिएक्टिव सोर्सेस क्या होते हैं वो देख लेते हैं सो मोस्ट कॉमनली इंडस्ट्री में जो रेडिएक्टिव सोर्स यूज करते हैं वो यूज़ करते हैं इरेडियम वन एंड कोबाल सिक्सटी इरेडियम वन एंड टू एंड जो इरेडियम वन नाइन्टी टू का जो एनर्जी होता है वो इन थ्री डिस्क्रीट वेवलेंथ में होता है इन थ्री डिस्क्रीट वेवलेंथ, थ्री डिस्क्रीट वेवलेंथ, जो कि होता है जीरो पॉइंट थ्री वन जीरो पॉइंट फोर सेवन एंड जीरो पॉइंट सिक्स ज़ीरो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट वहीं पे कोबाल्ट का जो होता है वन पॉइंट थ्री थ्री एंड वन पॉइंट वन सेवन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अप्रॉक्सिमेटली टू टाइम्स से थ्री टाइम्स जो है कोबाल्ट का जो एज कंपेयर टू इरिडियम एनर्जी मोर देन टू टाइम्स होता है मोर देन टू टाइम्स होता है इसका मतलब क्या होता है इट इज मोर पेनिट्रेटिंग मोर पेनिट्रेटिंग देन इरिडियम तो इरिडियम से जो है मोर पेनिट्रेटिंग होता है कोबाल्ट सो so, ये है कुछ बेसिक्स ऑफ रेडिएक्टिव सोर्स तो चलिए देखते हैं व्हाट आर द मोस्ट कॉमनली यूज सोर्स सो ये मेरे पास कुछ लिस्ट है रेडीएक्टिव सोर्सेज की तो पहले इरेडियम है इरीडियम जो यूज़ करते हैं इरेडियम वन इसका जो एनर्जी होता है वो होता है फोर हंड्रेड किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसका पेनिट्रेशन कैपेसिटी मटेरियल के अंदर होता है 75 फाइव एम एम नेक्स्ट है कोबाल्ट कोबाल्ट हम लोग यूज़ करते हैं 60 ओके okay? उसका एनर्जी होता है 1250 फिफ्टी पेनिट्रेशन इन साइड द मटेरियल होता है टू ट्वेंटी फाइव अप्रॉक्सीमेटली मोर देन टू टाइम्स द इरिडियम सोर्स ओके नेक्स्ट है सीजियम सीजियम हम यूज़ करते हैं सीजियम वन थर्टी सेवन और इसका जो एनर्जी होता है सिक्स सिक्सटी के ई होता है एंड पेनिट्रेशन कैपेसिटी इनसाइड द मटेरियल वन ट्वेंटी एम एम होता है नेक्स्ट है सेलिनियम सेलिनियम वन सेवेंटी फाइव सॉरी सेलिनियम सेवेंटी फाइव इसका जो एनर्जी होता है 200 हंड्रेड के भी होता है और इसका जो पेनिट्रेशन इनसाइड द मटेरियल होता है 35 फाइव एम एम सो दिस आर द सम मोस्ट कॉमनली यूज रेडिएक्टिव सोर्स नेक्स्ट देखते हैं वॉट इज़ द एक्टिविटी ऑफ सोर्स एक्टिविटी ऑफ सोर्स का यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स दैट डी के ओके इट इज़ अ नंबर ऑफ एटम्स दैट डी के एंड एमिट रेडिएशन यहाँ पे डी के भी होगा उसके साथ साथ जो है रेडिएशन भी एमिट करेगा इन वन सेकेंड एक सेकेंड में कितना वो रेडिएशन एमिट करेगा और वो कितना वो डीके होता रहेगा जितना एक मटेरियल जो भी रेडिएक्टिव मटेरियल रहेगा वो कितना एक सेकेंड में डीके करेगा और कितना वो रेडिएशन एमिट करेगा डीके का मतलब होता है कि जैसे कि हम लोगों ने एक इरिडियम का एग्ज़ाम्पल लिया था लास्ट क्लास में वन यानी कि यहाँ पर एक प्रोटोन होता है एक न्यूट्रॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन होता है तो ये प्रोटॉन जो है दूसरे प्रोटॉन से इंटरचेंज करेगा दूसरे आइटम से ओके okay, तो इसका मतलब क्या हो रहा है ये डी होता चला जा रहा है ओके इट इज़ डी एंड एमिटिंग रेडिएशन ओके एमिटिंग गामा रे रेडिएशन डी का मतलब क्या होता है कि रेडिएशन जो है हमारा जैसे जैसे एमिट करेगा वैसे वैसे उसका जो इंटेंसिटी होगा वो कम होता रहेगा रेडिएशन इंटेंसिटी उसका लेस होता रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम ओके सो एक्टिविटी ऑफ सोर्स हमारा एक और चीज़ बताता है वो बताता है स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सोर्स सो ये है एक्टिविटी के बारे में सो एस आई यूनिट ऑफ एक्टिविटी होता है एस आई यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज बैक्वरल सो बैक्वरल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट किया था यूरेनियम uh, को यूरेनियम सोर्स को एस आई यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज बैक्वरल इसका शॉर्ट फॉर्म बी क्यू बी होता है ओके okay? सो so, ये था एक्टिविटी ऑफ सोर्स के बारे में नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ बैक्वरल सो बैक्ल का डेफिनेशन है इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल ओके क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल इन विच वन एटम ट्रांसफॉर्म्स पर सेकेंड जैसे कि अभी आपको मैंने बताया था कि जो प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं ओके okay? इंटरचेंज करते हैं और इसके अंदर से जो है गामा रे अल्फा बीटा और गामा रे एमिट होता है और उसके वजह से वो डी के होना स्टार्ट होता है एक एग्जांपल ले लीजिए रेडियक्टिव मटेरियल का तो रेडियक्टिव मटेरियल वन ग्राम या फिर टू ग्राम का एक मटेरियल ले लीजिए कोई भी यूरेनियम ले लीजिए या फिर पोलोनियम ले लीजिए तो उसके अंदर से एक एटम में कितना ट्रांसफॉर हो रहा है पर सेकेंड में तो ये बताता है बैक्वेरल सो so, बैक्रल का शॉर्ट फॉर्म है बी क्यू सो एक और यूनिट होता है टू मेजर द एक्टिविटी ऑफ सोर्स तो वो होता है क्यूरी क्यूरी क्या हो है? एक मोस्ट कॉमनली यूजड यूनिट फॉर एक्टिविटी है इट इज़ अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर एक्टिविटी है हम लोग क्यूरी से ही मेजर करते हैं ज़्यादातर सोर्स की एक्टिविटी को एंड फॉर ए पर्टिकुलर मटेरियल कोई भी एक पर्टिकुलर मटेरियल में क्या होता है थ्री पॉइंट सेवन इंटू टेन रेज टू सेवन आइटम्स डिसइंटिग्रेट पर सेकेंड इसका मतलब क्या है इतने एटम्स पर सेकेंड में वो है मटेरियल के अंदर से डिसंटीग्रेट हो रहे हैं तो इन दोनों का क्या रिलेशन है एक क्यूरी जो होता है वन क्यूरी इज इक्वल टू थ्री पॉइंट सेवन इंटू टेन रेज सेवन डिस इंटीग्रेशन डिस इंटीग्रेशन पर सेकेंड सो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वन क्यूरी इज थर्टी सेवन गीगा बैकवरल सो ये होता है क्यूरी एंड बैकवरल सो क्यूरी हम लोग यूज़ करते हैं टू टू रिलेट टू द एक्टिविटी ऑफ द सोर्स सोर्स की एक्टिविटी को बताता है क्यूरी जनरल टर्म में अगर हम बोलेंगे तो बैकोरल क्या बताता है कि एक रिडिएक्टिव एलिमेंट में कितना एटम ट्रांसफर हो रहा है पर सेकेंड में तो ये था क्यूरी और बैकोरल का डिफरेंस सो नेक्स्ट देखते हैं वॉट इज हाफ लाइफ टाइम सो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर एन एक्टिविटी टू डी के टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू उसके वैल्यू से वो हाफ हो जाएगा सपोज कि मैं हंड्रेड क्यूरी का सोर्स यूज़ कर रहा हूँ हंड्रेड क्यूरी इरिडियम वन का सोर्स अगर यूज़ कर रहा हूँ तो उसके हाफ़ लाइफ टाइम वन हाफ़ लाइफ टाइम बाद उसकी जो एक्टिविटी हो जाएगी वो फिफ्टी क्यूरी हो जाएगी ओके सो so, इरिडियम का जो हाफ़ लाइफ टाइम होता है वो सेवेंटी फोर पॉइंट थ्री डेज़ होता है ओके जैसे कि और एक एग्जांपल ले लीजिए कोबाल्ट सिक्सटी का अगर फिफ्टी क्यूरी इसका इनिशियल जो है वैल्यू था तो उसके हाफ लाइफ टाइम के बाद वो कितना हो जाएगा वन हाफ़ लाइफ टाइम के बाद वो हो जाएगा ट्वेंटी फाइव क्यूरी ओके दिस इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम ऑफ द रिडिएक्टिव एलिमेंट ओके सो कोबाल्ट का जो होता है वो होता है फाइव पॉइंट थ्री ईयर्स मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाया हुआ है क्यूरी और हाफ लाइफ टाइम का सपोज मान लीजिए कि मेरा एक सोर्स है जिसका एक्टिविटी है हंड्रेड क्यूरी ओके सो एक हाफ़ लाइफ टाइम के बाद क्या हो रहा है इसका जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस होकर हाफ हो रहा है मतलब फिफ्टी क्यूरी हो रहा है वन हाफ़ लाइफ टाइम में उसका एक्टिविटी हाफ हो रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है इसके अंदर से डी के स्टार्ट हो रहा है रेडिएक्शन रेडिएक्टिव डी के होना स्टार्ट हो रहा है रेडिएक्टिव डी के होने से क्या हो रहा है कि उसका एक्टिविटी सोर्स का कम हो रहा है ओके okay? सिमिलरली अगर टू हाफ़ टाइम तक अगर हम जाएंगे तो वो उससे भी आधा हो जाएगा मतलब ट्वेंटी फाइव क्यूरी हो जाएगा अगर हम थ्री हाफ लाइफ टाइम तक जाएंगे तो ट्वेंटी ट्वेल्व पॉइंट फाइव हो जाएगा अगर हम फोर हाफ़ लाइफ टाइम तक जाएंगे तो उसका भी आधा हो जाएगा उसका एक्टिविटी सो so, ये है हाफ़ लाइफ टाइम तो हाफ लाइफ टाइम क्या बताता है कि इट इज़ अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी टू डी हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इनिशियल जो वैल्यू उसका था उससे वो आधा हो जाएगा उसके एक हाफ लाइफ टाइम में तो so, ये था हाफ लाइफ टाइम के बारे में सो so, चलिए देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट हाफ लाइफ टाइम ऑफ डिफरेंट रेडिएक्टिव सोर्सेज ओके देर आर सम समज हियर एंड देर आर सम हाफ लाइफ टाइम ऑफ डिफरेंट सोर्सेज सो so, इरेडियम में हम लोग यूज़ करेंगे इरेडियम 192 नाइन्टी 192 का जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो होता है 74.3 डेज इसका मतलब क्या है सपोज कि एक 100 क्यूरी का सोर्स मैंने यूज़ किया तो हाफ लाइफ टाइम के बाद उसका जो एक्टिविटी हो जाएगा वो आधा हो जाएगा ओके सो नेक्स्ट है कोबार्ट कोबार्ट सिक्सटी का जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो होता है फाइव पॉइंट सो दीज आर द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड रेडियो एक्टिव

सेलिनियम सेवेंटी फाइव का हाफ़ लाइफ टाइम होता है वन ट्वेंटी डेज यूरानियम यूरानियम ये यूरानियम ये टू थर्टी एट है ओके सो okay? so, ये यूरानियम टू थर्टी एट का जो हाफ़ लाइफ टाइम होता है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर आइसोटोप्स सबसे हाइएस्ट हाफ़ लाइफ टाइम होता है इसका हाफ़ लाइफ टाइम होता है फोर पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर ऑफ नाइन ईयर्स ओके सबसे ज़्यादा इसका हाफ़ लाइफ टाइम होता है सो so, ये है यूरानियम टू थर्टी फोर यूरानियम टू थर्टी फोर का हाफ़ लाइफ टाइम होता है टू पॉइंट फोर फाइव इंटू टेन टू द पावर ऑफ फाइव ईयर्स मतलब अगर हम एक हंड्रेड क्यूरी का सोर्स यूज कर रहे हैं तो उसका एक्टिविटी फिफ्टी होने के लिए इतना टाइम पीरियड लगेगा ओके सो नेक्स्ट है रेडियम रेडियम टू ट्वेंटी सिक्स सो रेडियम टू ट्वेंटी सिक्स का जो हाफ लाइफ टाइम होता है वो होता है फिफ्टीन नाइन्टी ईयर्स नेक्स्ट देखते हैं वॉट इज रेडिएशन इंटेंसिटी तो रेडिएशन इंटेंसिटी का डेफिनेशन है इट इज़ द अमाउंट ऑफ़ एनर्जी पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रेडिएशन ट्रैवल इन ए गिवन यूनिट टाइम इसका मतलब क्या होता है सपोज यहाँ पे कोई रेडिएशन डिवाइस है ओके okay, या फिर कैप्सूल है या फिर एक सोर्स ले लीजिए रेडिएक्टिव सोर्स है गामा रे सोर्स है ओके okay, सो so और यहाँ पे कुछ एक एरिया है यहाँ पे ओके सपोज दिस इज सम एरिया तो यहाँ पे क्या होगा जैसे ही रेडिएशन पास होगा पास थ्रू ए गिवन एरिया एरिया से पास होगा तो ये क्या होगा इसके परपेंडिकुलर पास होगा ओके यानी ट्रैवल इन ए गिवन यूनिट टाइम मतलब एक यूनिट टाइम में ट्रैवल करेगा तो हम उसको बोल देंगे रेडिएशन इंटेंसिटी तो इस एरिया में कितना उसका इंटेंसिटी रहेगा ओके रेडिएशन इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे रॉन्डन तो so, रॉन्डन जो है साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट किया था एक्सरे को तो रॉन्जन क्या बताता है इट इज डिफाइंड एज अ क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन विच विल प्रोड्यूस बाय द दीन्स ऑफ आयोनाइेशन आयोनाइजेशन कैरिंग ए चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन जीरो पॉइंट वन टू नाइन थ्री नाइन ग्राम्स ऑफ ड्राई एयर इसका डेफिनेशन हमको क्या बता रहा है कि इट इज अ क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन ये एक रेडिएशन का क्वांटिटी है जो कि प्रोड्यूस करेगा आयोनाइजेशन से सो so, आयोनाइजेशन जो होते हैं हमारा एक्सरे और गायर गामा रे या फिर यूवी रे प्रोड्यूस करते हैं ए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा इन जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन टू नाइन ग्राम ऑफ ड्राई एयर इतने ग्राम ऑफ ड्राई एयर में इतना यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करेगा सो दिस इज द रॉन्चेन तो रॉन्चेन क्या होती है इट इज ए यूनिट ऑफ एक्सपोजर ओके ये होता है इट इज ए यूनिट यूज टू मेजर एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन ओके एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन मेजर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं एक्सपोजर ऑफ रेडिएशन ठीक है और यहाँ पे इसका टर्म होता है इसको डिनोट करते हैं आर से तो वन आर जो होता है इच इज इक्वल टू वन थाउजेंड एम आर एम आर जो होता है वो होता है मिली रॉन्चन मिली रॉन्ड नेक्स्ट देखते हैं हम इसको मेजर कैसे करते हैं हम इसको मेजर करते हैं रॉन्ग टेन पर आवर पर मीटर से या फिर इसको हम मेजर करते हैं एम आर पर आवर ठीक है hour, मिली रॉन्ग टेन पर आवर और रॉन्ग टेन रॉन्ग टेन पर आवर पर मीटर ओके पर आवर पर मीटर यानी कि इसको हम बोलते हैं आर एच एम में ओके सो आर एच एम में कैसे मेजर करते हैं हम इसको देख लेते हैं ओके okay. सपोज मान लीजिए कि एक क्यूरी का सोर्स है मेरा ओके वन क्यूरी उसका एक्टिविटी है एक सोर्स की एक एग्जाम्पल ले लीजिए वन क्यूरी इरेडियम वन नाइन्टी टू क्यूरी का मतलब होता है एक्टिविटी मतलब इसका एक क्यूरी इसका एक्टिविटी है इरेडियम सोर्स का तो वो एक मीटर के डिस्टेंस पे सपोज ये एक मीटर का डिस्टेंस है और एक घंटे में ठीक है वन मीटर एंड वन आवर में उसका जो रेडिएशन इंटेंसिटी एमिट करेगा वो करेगा 500 हंड्रेड इसी तरीके से वन क्यूरी कोबाल्ट सिक्सटी का जो सोर्स है वो वन मीटर और वन आवर में जनरेट करेगा थर्टीन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एम आर सो ये है रॉन्ग टैन पर आवर पर मीटर जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे एक रेडिएशन चल रहा है यहाँ पे कुछ रेडिएशन का वर्क चल रहा है ओके और यहाँ पे एक आदमी खड़ा हुआ है कुछ एक सर्टेन डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है ओके okay, यहाँ पे रेडिएशन परफॉर्म हो रहा है और ये आदमी जो है इस रेडिएशन इंटेंसिटी से फाइव मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है ओके okay, तो रेडिएशन इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है इंटेंसिटी इज इक्वल टू एक्टिविटी सोर्स का एक्टिविटी इनटू उसका रॉन्ग टेन पर आवर पर मीटर या फिर मिली रॉन्ग टेन पर आवर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर ओके सो इससे हम फाइंड आउट करेंगे सपोज ले लीजिए कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि यहाँ पे इरिडियम का सोर्स यूज़ कर रहे हैं हम और इसका जो एक्टिविटी है टेन क्यूरी है टेन क्यूरी इरिडियम 192 का सोर्स यूज़ कर रहे हैं ओके okay? सो so, हम इस तो ये आदमी जो पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है ये कितना इंटेंसिटी डोज ये ले रहा है तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे सिंपली फॉर्मूले में पुट करेंगे सो so एक्टिविटी कितना इसका 10 है इसका टेन क्यूरी है देन आर जो को इरिडियम का होता है वो होता है फाइव होता है देन देन डिस्टेंस मैंने यहाँ पे लिया है फाइव मीटर तो यहाँ पे फाइव इंटू फाइव भी लिख सकता हूं क्योंकि फाइव स्क्वायर है तो ये फाइव से टू पे जाएगा और ये फाइव से टेन पे जाएगा तो ये कितना हो गया टू हंड्रेड मिली रोंग टेन क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एम आर में लिया हुआ है इसको ओके सो इंटेंसिटी कितना रहेगा टू हंड्रेड एम आर जो कि इसका इनिशियल इंटेंसिटी कितना था इनिशियली इसका इंटेंसिटी कितना था फाइव हंड्रेड एम आर तो उसका इंटेंसिटी रिड्यूस होकर कितना हो गया टू हंड्रेड एम आर क्यों हो गया क्योंकि कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे वो खड़ा है अगर इसका डिस्टेंस सिर्फ वन मीटर पे रहता तो इसका इंटेंसिटी फाइव हंड्रेड एम आर होता लेकिन इसका जो डिस्टेंस है वो फाइव हंड्रेड क्योंकि इसका एक्टिविटी भी ज़्यादा है लेकिन इसका जो इंटेंसिटी है वो रिड्यूस होगा क्यों रिड्यूस हो गया क्योंकि बिकॉज ऑफ द इन्वर्स स्क्वायर लॉ सो इनवर्स स्क्र लॉ से हमको क्या पता चलता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा रेडिएशन इंटेंसिटी वैसे वैसे कम होगा ये सेम चीज़ अप्लाई होती है आपके लाइट के लिए भी तो जैसे जैसे हम कोई भी लाइट के दूर चले जाते हैं तो क्या होता है लाइट की जो एनर्जी होती है लाइट की जो इंटेंसिटी होती है वो कम होते रहती है ओके सेम थिंग अप्लाइज फॉर द रेडिएशन ऑल्सो सो इन्वर्स स्क्र लॉ देख लेते क्या होता है तो इन्वर्स स्क्र लॉ में क्या होता है सपोज ये गामा रेसोर्स ले लिया मैंने यहाँ पे सो so, जैसे कि उसका रेडिएशन जैसे कि उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है सपोज तो मान लीजिए कि कुछ डिस्टेंस वन पे है डी वन पे है और ये कुछ डिस्टेंस डी टू पर है और ये डिस्टेंस डी थ्री पे ओके okay? सो so, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो एनर्जी है वो स्प्रेड हो रहा है एनर्जी स्प्रेडिंग ओके यहाँ पर एनर्जी स्प्रेड होगा एक एरिया में यहाँ पर एनर्जी स्प्रेड होगा वन टू थ्री फोर फोर एरियाज में जो है एनर्जी स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया ठीक है यहां पे कितने एरिया में होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सो नाइन एरियाज में जो है एनर्जी स्प्रेड होगा तो उसके वजह से क्या हो रहा है हमारा इंटेंसिटी रिड्यूस हो रहा है इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या बताता है हमको जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रेडिएशन सोर्स का इंटेंसिटी कम होता रहेगा तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं आई वन डी वन स्क्वायर इज इक्वल टू आई टू डी टू स्क्वायर मतलब इंटेंसिटी एट डिस्टेंस वन एंड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस टू ओके यहाँ पे इंटेंसिटी कितना रहेगा उसका जो है कम हो जाएगा उससे कम हो जाएगा और उससे आगे जाएंगे तो उससे भी कम हो जाएगा तो ये हमको बताता है इन्वर्स स्क्यर लॉ तो सिंपली इसका जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से है तो ये था इन्वर्स स्क्यर लॉ के बारे में और आज का वीडियो हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आ रही है तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा सो थैंक यू वेरी मच